बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आसिम कंबो की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों बुज़ुर्गों, कुरान पाक की आयत मुबारक है फ़ाबिअय्यलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरी आज की वीडियो भी इसी आयत मुबारक के तनाज़ुर में है कि अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदों के लिए लाखों चीज़ें इस दुनिया में पैदा की, लेकिन हम उससे अपनी कुताहियों की वजह से इस्तफादा नहीं ले रहे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं दावा से कहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में आज जिस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, मेरा चैलेंज है कि ये आपको पूरी यूट्यूब और गूगल से भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये ज़िम्मेदार की फ़सलों में पाई जाने वाली आम जड़ी बूटी है, लेकिन इसके फ़ायदे अगर देखे जाएं तो वो बेतहाशा हैं। ये वो जड़ी बूटी है जिसको ज़िम्मेदार देखकर दर्द सर महसूस करते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि इस जड़ी बूटी की सोने जैसी कदर करेंगे। और अगर आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो ये भी मेरा दावा है कि इस जड़ी बूटी से आप अपना मुआशी इस्तफादा भी हासिल कर सकेंगे। इस जड़ी बूटी को ज़िम्मेदार अपनी फसलों से ख़त्म करते करते खुद इस दुनिया फ़ानी से चले गए, लेकिन ये जड़ी बूटी ख़त्म नहीं हुई। इंसानों में पाई जाने वाली आम बीमारियां जिसका हमें आजकल सामना है और हम उसमें बुरी तरह मुब्तला हैं, अगर इस जड़ी बूटी से फ़ायदा लिया जाए तो आपका बीमारियों पर लगने वाला लाखों रुपया वो बच जाएगा। और इसके अलावा जो हम महंगी से महंगी दवाइयां खाकर अपने जिगर और मैदा को तबाह कर रहे हैं, उससे भी बचा जा सकेगा। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, अगर इस जड़ी बूटी के बारे में बात की जाए तो ये हमारी फसलों में होने वाली आम घास है जिसको हम सवांक बोलते हैं, सवांकी घास भी बोलते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में जंगल राइस भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम अकिनो क्लोवा क्लोना है। दोस्तों बुज़ुर्गों, तो इसकी इफादियत की बात करते हैं। दिल के मरीज़ों के लिए अगर वो सुबह शाम एक एक चम्मच इसके बीज का नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद खा लें तो इंशाल्लाह दिल की बीमारियों से बचा जा सकेगा, क्योंकि ये जिससे में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और खून को साफ़ करता है। नंबर दो, अगर एक चम्मच सुबह शाम खाएंगे तो जो दिल का मरीज़ नहीं भी है उसके ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, जो कि हमारी जिस्म में पैदा होने वाली आम बीमारियों का सामना करता है। हमारा इम्यून सिस्टम वो जब मज़बूत होगा तो हम आम बीमारियों से भी बचेंगे, क्योंकि इसमें वाफर मकदार में फ़ाइबर, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। नंबर तीन पर बात करें तो ये हाजमे के लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि इसमें वाफर मकदार में फ़ाइबर है, और फ़ाइबर जिस चीज़ में भी होता है वो इंसानी जिस्म को बेतहाशा फ़ायदा देता है। इसके अलावा शुगर के इलाज के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो कि शुगर को कम करता है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करके हमारी शुगर पर काबू पाता है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, इसमें बैलेंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की वजह से हमारे जो दिमाग है, हमारा इंसानी दिमाग, उसको ये तंदुरुस्त तवाना रखता है। मसलसल इस्तेमाल के बिना पर यह हमारे दिमाग को इंतहाई मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से भी हमें बेपनाह इस्तेफादा हासिल होता है। इसके अलावा परिंदों की अगर बात की जाए, जो लोग घरों में शौकिया परिंदे रखते हैं और वो अंडे देना और अपनी अफजाइश नस्ल बंद कर देते हैं, अगर उसको इसके बीज खिलाए जाएँ तो वो अंडों की मकदार बढ़ा देते हैं और अपनी अफजाइश नस्ल के ऊपर
वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसके अलावा आठवां फ़ायदा इसका अगर देखा जाए तो हमारे घरों में दूध देने वाले जानवर गाय भैंस वगैरह हैं, अगर उनको हम पूरे का पूरा पौधा खिलाएं और उसकी खुराक में इस पौधे को शामिल कर दें तो हमारे घरेलू जानवर जो हैं वो दूध की मकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन हमारे ज़िम्मेदार को अभी तक सिर्फ इसका एक ही फ़ायदे का पता है जो हम इससे अभी ले रहे हैं कि हम अपनी ज़मीनों में जो बिल्कुल करलाठी और शोरज़दा ज़मीनें हैं वहाँ पर हम इसको उगाते हैं, और जब वहाँ पर उगाया जाता है तो ये हमारी करलाठी और शोरज़दा ज़मीनों को ज़रख़ेज़ बना देता है। आप इसकी फ़ादियत और अहमियत और इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस ज़मीन में दुनिया का कोई बीज जर्मिनेट नहीं होता वहाँ पर इस सवाग का बीज उगता है और वो अफजाइश भी करता है और साथ साथ उस ज़मीन को ज़रख़ेज़ भी करता है। जो उसके अंदर मौजूद करलाठापन और जो शोर और कलर होता है उसको ये जज़ब करके ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करता है। इसके अलावा भी इसके दर्जनों फ़ायदे हैं, अगर सब बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो जाए और फिर नई से नई वीडियो जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो वह हम अपलोड करते रहें। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।